सतनाम श्री संधु जी, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, चंडीगढ़ आने से लगता है कि अपनों के बीच आ गया हूं। चंडीगढ़ की पहचान शक्ति स्वरूपा मां चंडी का नाम से जुड़ी है। मां चंडी यानी शक्ति का वह स्वरूप जिससे सत्य और न्याय की स्थापना होती है, यही भावना भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के पूरे प्रारूप का आधार भी है। एक ऐसे समय में जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, तब संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव प्रारंभ होना, उसका प्रभाव में आना एक बहुत बड़ी शुरुआत है। देश के नागरिकों के लिए हमारे संविधान ने जिन आदर्शों की कल्पना की थी उन्हें पूरा करने की दिशा में ये ठोस प्रयास है। ये कानून कैसे अमल में लाए जाएंगे, अभी मैं इसका लाइव डेमो देख रहा था और मैं भी यहां सबसे आग्रह करता हूं कि समय निकाल करके इस लाइव डेमो को जरूर देखें। लॉ के स्टूडेंट देखें, बार के साथी देखें, जुडिशरी के भी साथियों को अगर सुविधा हो वे भी देखें। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता के लागू होने की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़े सबको बधाई देता हूं। साथियों, देश की नई न्याय संहिता अपने आप में जितना समग्र दस्तावेज है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जनवरी 2020 में सुझाव मांगे थे। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीशों का सुझाव और मार्गदर्शन रहा, इनमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने भरपूर सहयोग दिया, देश का सुप्रीम कोर्ट, 16 हाईकोर्ट, जुडिशियल एकेडमीज, अनेकों लॉ इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी के लोग, अन्य बुद्धिजीवी, इन सब ने वर्षों तक मंथन किया, संवाद किया,
अपने अनुभवों को पिरोया, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देश की जरूरतों पर चर्चा की गई। आजादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चैलेंजेज आए उन पर गहन मंथन किया गया। हर कानून का व्यवहारिक पक्ष देखा गया, फ्यूचरिस्टिक पैरामीटर्स पर उसे कसा गया, तब भारतीय न्याय संहिता अपने इस स्वरूप में हमारे सामने आई है। मैं इसके लिए देश के सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल जजेज का, देश की सभी हाई कोर्ट्स का, विशेषकर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं बार का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आगे आकर इस न्याय संहिता की ओनरशिप ली है। बार के सभी साथी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे भरोसा है सबके सहयोग से बनी भारत की ये न्याय संहिता भारत की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। साथियों, हमारे देश ने 1947 में आजादी हासिल की थी। आप कल्पना करिए, सदियों की गुलामी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, पीढ़ियों के इंतजार के बाद, लक्षावधि लोगों के बलिदानों के बाद जब आजादी की सुबह आई, तब कैसे कैसे सपने थे, देश में कितना उत्साह था। देशवासियों ने भी सोचा था अंग्रेज गए हैं तो अंग्रेजी कानूनों से भी मुक्ति मिलेगी, अंग्रेजों के अत्याचार का, उनके शोषण का जरिया ये कानून ही तो थे। ये कानून बनाए भी तब गए थे जब अंग्रेजी सत्ता भारत पर अपना शिकंजा बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। 1857 में, और मेरे नौजवान साथियों को मैं कहूंगा याद रखिए, 1857 में देश का पहला बड़ा स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। उस 1857 के स्वतंत्र संग्राम ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी, देश के हर कोने में बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी थी। तब जाकर के उसके जवाब में अंग्रेज 1860 में, 3 साल के बाद, इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी लेकर आए। फिर कुछ साल बाद इंडियन एविडेंस एक्ट लाया गया और फिर सीआरपीसी का पहला ढांचा अस्तित्व में आया। इन कानूनों की सोच और मकसद यही था कि भारतीयों को दंड दिया जाए, गुलाम रखा जाए। और दुर्भाग्य देखिए, आजादी के बाद
दशकों तक हमारे कानून उसी दंड संहिता और पिनल माइंडसेट के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, मंडराते रहे और जिनका इस्तेमाल नागरिकों को गुलाम मानकर होता था। समय समय पर इन कानूनों में छोटे मोटे सुधार करने के प्रयास हुए, लेकिन इनका चरित्र वही बना रहा। आजाद देश में गुलामों के लिए बने कानूनों को क्यों धोया जाए, ये सवाल न हमने खुद से पूछा न शासन कर रहे लोगों ने इस पर विचार करने की जरूरत समझी। गुलामी की इस मानसिकता ने भारत की प्रगति को, भारत की विकास यात्रा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। साथियों, देश अब उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकले, राष्ट्र के सामर्थ्य का प्रयोग राष्ट्र निर्माण में हो, इसके लिए राष्ट्रीय चिंतन आवश्यक था। और इसलिए मैंने 15 अगस्त को लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प देश के सामने रखा था। अब भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता, इसके जरिए देश ने उस दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया है। हमारी न्याय संहिता ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की उस भावना को सशक्त कर रही है जो लोकतंत्र का आधार होती है। साथियों, न्याय संहिता समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के विचारों से बुनी गई है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, लेकिन व्यवहारिक सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। गरीब कमजोर व्यक्ति कानून के नाम से डरता था, जहां तक संभव होता था वो कोर्ट कचहरी और थाने में कदम रखने से डरता था। अब भारतीय न्याय संहिता समाज के इस मनोविज्ञान को बदलने का काम करेगी। उसे भरोसा होगा कि देश का कानून समानता की, इक्वालिटी की गारंटी है। यही सच्चा सामाजिक न्याय है, जिसका भरोसा हमारे संविधान में दिलाया गया है। साथियों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हर पीड़ित के प्रति संवेदनशीलता से परिपूर्ण है। देश के नागरिकों को इसकी बारीकियों का पता चलना ये भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए मैं चाहूंगा आज यहां चंडीगढ़ में दिखाए
लाइव डीमो को, हर राज्य की पुलिस को अपने यहां प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। जैसे शिकायत के 90 दिनों के भीतर पीड़ित को केस की प्रगति से संबंधित जानकारी देनी होगी। ये जानकारी एसएमएस जैसी डिजिटल सेवाओं के जरिए सीधे उस तक पहुंचेगी। पुलिस के काम में बाधा डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेने की व्यवस्था बनाई गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए न्याय संहिता में एक अलग चैप्टर रखा गया है। वर्क प्लेस पर महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा, घर और समाज में उनके और बच्चों के अधिकार, भारतीय न्याय संहिता ये सुनिश्चित करती है कि कानून पीड़िता के साथ खड़ा हो। इसमें एक और अहम प्रावधान किया गया है, अब महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे घृणित अपराधों में पहली हियरिंग से 60 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम करने ही होंगे। सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर भीतर फैसला भी सुनाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी तय किया गया है कि किसी केस में 2 बार से अधिक स्थगन एडजमेंट नहीं लिया जा सकेगा। साथियों, भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले एफआईआर करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है। अब उसे कहीं से भी केस दर्ज कराने की सहूलियत मिली है। FIR की कॉपी पीड़ित को दी जाए, उसे ये अधिकार दिया गया है। अब आरोपी के ऊपर कोई केस अगर हटाना भी है तो तभी हटेगा जब पीड़ित की सहमति होगी। अब पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से हिरासत में नहीं ले सकेगी।